जितेंद्र जी, धर्म सिपल साहब, बाकी अध्यापक और प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। इस स्कूल का एक विद्यार्थी जिसका नाम मनीष यादव है, नेपाल से एक चैंपियनशिप की ट्रॉफी मान के चलो लेकर आए हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहे हैं। कभी दिल्ली में होते हैं, कभी बेंगलोर में होते हैं, कभी कैलकाटा में होते हैं, ये नेपाल में हुआ है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने और तमाम अध्यापक जो है, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी है। इसके लिए पूरा स्कूल, पूरी मैनेजमेंट, स्कूल के प्रिंसिपल जी, पूरे अध्यापकगण बधाई के पात्र हैं। ऐसे बच्चों में संस्कार पैदा करना बड़ी खुशी की बात है। बच्चे ने इनाम जीता है, मानी सर सही है, छोटा ही बच्चा क्लास में पढ़ता, ये सिक्स क्लास में पढ़ता है। कोई भी बालक है, इनिशियली जो स्टेज होगी, शुरू की जो स्टेज होगी, उसको धीरे धीरे मोटिवेशन अगर आप लोग देते रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं आगे भी एक मनीष ही नहीं, कई मनीष इस स्कूल से निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर पर मैं जितेंद्र को, जो स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेल को भी प्रोत्साहन स्कूल में दिया जा रहा है। इसलिए जितेंद्र जी, आपको, पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। साथ में जो ये कोच खड़े हैं शायद आशीष नाम है, ये भी माने सर थे। ये लड़का मेरे ख्याल से हमारे गांव में ही नहीं, सर आसपास के कई गांव में भी नहीं, शायद हमारे जिले में भी नहीं, पूरे स्टेट में कई बड़ी चैंपियनशिप, कभी बेंगलोर से, कभी कलकत्ता से, कभी इंडोनेशिया से, कभी जापान से, इस लड़के ने भी हमारा बड़ा नाम ऊंचा किया है और ये उनके साथ बहुत है। मैं इनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और आगे मैं यही कामना करता हूं कि आपकी देखरेख में, टीचर साहिबान जो खड़ी है, इन सबकी देखरेख में आगे स्कूल बढ़ता रहेगा, अच्छी प्रोग्रेस करता रहेगा और हर तरह इस तरह के बच्चे अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।